चांस कि हम उसको उसको कमिट किए बगैर रोल बैक कर दें अब कमिट से मुराद ये है कि जब हम डीएमएल कमांड एग्जीक्यूट करते हैं तो वो सिर्फ जो हमारा पर्टिकुलर सेशन होता है जिसे हम लोग कनेक्ट हुए होते हैं उस सेशन में ही सारी चेंजेस हो रही होती हैं यानी जो जो ग्लोबल डाटाबेस है यू कह लें या जो हमारा सर्वर है उसको आपकी लोकल चेंजेस के बारे में नहीं पता होता इन केस ऑफ डीएमएल अनलेस एंड अनटिल यू इश्यू एन एक्सप्लिसिट कमिट कमांड या आपने जो ऑटो कमिट की एक होती है फंक्शनैलिटी उसको अनेबल किया हुआ है मीन एज्यूम करें कि ऑटो कमिट की फंक्शनैलिटी अनेबल नहीं है और आपने डीएमएल की कमांड को एग्जीक्यूट किया है अब डीएमएल की कमांड फॉर एग्जांपल आपने एग्जीक्यूट कर दी डिलीट फ्रॉम टेबल नेम यानी आपने पूरा टेबल डिलीट कर दिया एंड यू रियलाइज योर मिस्टेक इन केस ऑफ डीएमएल अभी आपने कमिट की कमांड इश्यू नहीं की यू हैव एन अपॉर्चुनिटी टू रोल बैक दैट कमांड जो डीएमएल की कमांड है आप उसको रोल बैक कर सकते हैं लेकिन आपने डिलीट फ्रॉम टेबल नेम की कमांड एग्जीक्यूट कर दी एंड यू एन एक्सप्लिसिट कमिट कमिट कमांड आपने का कीवर्ड लिख दिया तो इससे मुराद अब यह है कि जो चेंजेस आपके आपके लोकल डेटाबेस में में थी आपके में थी पर्टिकुलर सेशन वो अब सर्वर को पता लग गई है एंड दीज चेंजेस आर नाउ बींग मेड अ परमानेंट इन टू द सर्वर डेटाबेस इसको हम लोग इमेज डेटाबेस बोलते हैं जिसमें हम लोग लोकली काम कर रहे होते हैं एंड वेन वी इशू द कमिट कमांड आपकी जो इमिज डेटाबेस होती है उसके चेंजेस सर्वर डेटाबेस में जाके परमानेंटली अनेबल हो जाते हैं यानी वो परमानेंट यानी जो आपके चेंजेस हैं वो परमानेंट हो जाते हैं तो जो कमिट कमांड है इट इज टू मेक श्योर कि जो यूजर अपने लोकल सेशन में चेंजेस कर रहा है वो कमिट के बाद रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाए बाकी तमाम यूजर्स को भी रीजन कि जो मैं जिस यूजर में पासवर्ड से लॉग इन हुआ हूं आई एम मेकिंग चेंजेस इन टू लोकल सिस्टम इन टू लोकल स्कीमा लेकिन द मोमेंट आई इश्यू द कमिट कमांड द चेंजेस इन माई लोकल स्कीमा आर नाउ बींग अपडेटेड इन द ग्लोबल डाटाबेस यानी जो मेरे चेंजेस हैं वो अब अब कोई भी यूजर देख सकता है क्योंकि जो मेरे चेंजेस हैं कमिट के बाद दीज चेंजेस आर नो मोर लोकल दीज चेंजेस आर नाउ बींग मेड ग्लोबली परमानेंट टू दू द सर्वर डाटा बेस तो दैट्स द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑफ कमिट जब हम डी डी एल डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज यानी क्रिएट ऑल्टर ड्रॉप की कमांड इशू करते हैं तो उसके बाद हमें एक्सप्रिसिटली कमिट लिखने की जरूरत नहीं होती रीजन जब भी हम कोई डीडीएल कमांड इश्यू करते हैं दीज आर ऑटो ऑटोकोमेटेड स्टेटमेंट यानी ये हमारे यूजर के कंट्रोल में नहीं है कि लाइकवाइज जो जो डीएमएल था उसमें हमारे पास ये कंट्रोल था कि हमने अगर कोई गलत डीएमएल एग्जीक्यूट कर दिए तो हम कमिट अगर इश्यू नहीं कर रहे तो वी हैव अ चांस टू रोल इट बैक लेकिन डीडीएल के केस में वी डोंट हैव दैट चांस रीजन द मोमेंट वी इश्यू क्रिएट कमांड फॉर एग्जाम्पल ऑटोमेटिकली ऑटो ऑटोकोम इशू हो जाता है और ऑटो ऑटोकोम से मुराद ये होती है कि जो जो यूजर का लोकल डाटाबेस है जो यूजर का लोकल सेशन है उसमें किए हुए चेंजेस ऑटोमेटिकली अनेबल हो जाते हैं सर्वर डाटाबेस के अंदर ताकि बाकी बाकी तमाम जो जो यूजर्स हैं वो भी वो चेंजेस को व्यू कर सकें जो एक पर्टिकुलर यूजर के लोकल सेशन में क्रिएट हुए हैं तो बेसिकली डीएमएल जो कमांड्स होती हैं, दीज आर नॉट कमिट, लेकिन जो डी डी एल कमांड्स होती हैं, दीज आर कमिट कमांड्स एंड वी डोंट नीड टू इशू एन कमिट स्टेटमेंट आफ्टर डीडीएल स्टेटमेंट क्योंकि ये सिस्टम ऑटोमेटिकली इश्यू कर देता